रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। क्या है उनकी धमकी, रिपोर्ट के जरिए देखिए। रूस के परमाणु तहखाने में पहुंचे पुतिन। क्या नया एटम बम फिट करेंगे पुतिन? वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू। आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि रूस से आई इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया खौफ से कांप रही है। ये तस्वीरें पुतिन के उस परमाणु तहखाने की हैं, जिसमें दुनिया को भस्म करने वाला एटम बम रखा हुआ है। और अब देखिए पुतिन को उस बम के पास लेकर जाया जाता है, जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। पुतिन के अधिकारी एक एक बात की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को दिखाने के बाद पुतिन को परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, पुतिन को अधिकारी परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर मशरूम क्लाउड दिखता है। किसी भी परमाणु हमले के बाद इसी तरह का मशरूम क्लाउड उठता है और फिर कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मशरूम क्लाउड देखने के बाद पुतिन बाहर निकलते हैं और एक रजिस्टर पर साइन कर देते हैं। आखिर पुतिन के इस साइन के क्या मायने हैं? पुतिन ने किस ऑर्डर पर साइन किया है? दुनिया के चप्पे चप्पे में पुतिन का ये वीडियो देखा जा रहा है। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड किया जा रहा है, इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड किया जा रहा है। और कुछ देशों ने तो वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि पुतिन के परमाणु बम के निशाने पर कौन है। पुतिन गुस्से से लाल है। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर अमेरिका का पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस आ चुका है। पुतिन हर कीमत पर अब अमेरिका को घुटने पर लाना चाहते हैं। अपनी फौज के सामने पुतिन लगातार हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर नेटो के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है। पुतिन क्यों तिल मिलाए हुए हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसकी तैयारी पुतिन कर भी चुके हैं। पुतिन के गुस्से का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि रूस ने मिसाइलें सेट कर दी और इन मिसाइलों का ट्रिगर भी पुतिन के हाथ में पहुंच चुका है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन का दिमाग रूस के आसपास ही घूमता है, वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस रहता है। पुतिन के दिमाग में सुपर पावर का पावर सेंटर व्हाइट हाउस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। उनके दिमाग में व्हाइट हाउस पर हमले की एक एक बारीक कड़ी फिट हो चुकी है। और अगर अब अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन को एटम बम का ट्रिगर दबाने में देर नहीं लगेगी। पुतिन के इस एटम हमले के बाद व्हाइट हाउस ही नहीं, दुनिया का क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो खतरा सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए पुतिन के इस बयान को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पुतिन का यह बयान अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय कर सकता है। सुनिए पुतिन ने क्या कहा। Вероятный противник над этим работает. Новые элементы, связанные с понижением, применения ядерного оружия, с понижением порога применения. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности. И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы и применять, и ничего в этом особенно. पुतिन ने कहा सुधर जाओ वरना उड़ा दिए जाओगे। आखिर पुतिन क्रोध से लाल क्यों हो गए हैं, वो क्यों अमेरिका को ही भस्म करने पर आमादा है? तो सुनिए पुतिन के गुस्से के पीछे है बाइडन का वो फैसला
जिससे रूस सीधे सीधे अमेरिकी मिसाइल और हथियारों की जद में आ जाएगा। पुतिन के इस गुस्से के पीछे है अमेरिका का वो बयान जिसमें उसने कहा है कि वो जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अमेरिका और जर्मनी ने पिछले दिनों ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि अमेरिका नेटो और यूरोपीय देशों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अब इस मैप के जरिए देखिए जर्मनी से रूस की कितनी दूरी है। दुनिया के नक्शे में जर्मनी यहाँ पर है और रूस यहाँ पर, और दोनों के बीच की दूरी है 5,417 किलोमीटर। रूस का दावा है कि अमेरिका ऐसी मिसाइलें तैनात करने जा रहा है जो सिर्फ 10 मिनट में रूस के सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। सुनिए पुतिन को वो क्या कह रहे हैं। В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура.